Hello and welcome back to course of Power Engineering and Refrigeration. This is the course for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is the lecture on first chapter internal combustion engine, and today's topic is two stroke engine, and after that we are going to compare two stroke engine with four stroke engine. The session outcomes for this video lectures: after completion of this video lecture, the learner will be able to describe the construction and working of टू स्ट्रोक इंजिन. तो इस लेक्चर में हम लोग टू स्ट्रोक इंजिन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर टू स्ट्रोक इंजिन विथ फोर स्ट्रोक इंजिन. तो हम इस लेक्चर में टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजिन को कंपेयर भी करेंगे. आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और याद कीजिए कि हमने आईसी इंजन की वर्किंग के बारे में क्या पढ़ा था. हम लोगों ने चार स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट. इंजन नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा है, और फोर स्ट्रोक इंजन की हमने वर्किंग पढ़ी है. ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पता होना जरूरी है टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग सीखने के लिए. तो अगर आपको इन सारे टॉपिक में थोड़ा भी डाउट है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे पुराने लेक्चर पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए. तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आते हैं. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में. टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से काम करता है. यहां देखते हैं कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में चार प्रोसेस होती है: इनटेक, कॉम्प्रेशन, कंबशन या पावर, और लास्ट में एग्जॉस्ट. यहां इन फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ईच प्रोसेस रिक्वायर्ड वन स्ट्रोक टू कंप्लीट. यानी फोर स्ट्रोक में चार प्रोसेस होंगी, हर प्रोसेस के लिए पिस्टन का एक स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है, और पिस्टन के चार स्ट्रोक यानी क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन होते हैं. तो इसीलिए एक पावर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चार स्ट्रोक या दो रिवॉल्यूशन लगते हैं. ये बहुत जरूरी बात है, ये याद रखनी है. उसके बाद फोर स्ट्रोक इंजिन में वॉल्व्स होते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं, जो कैम के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं. कैम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ मशीन नाम के सब्जेक्ट में. तो कैम से ये वॉल ऑपरेट किए जाते हैं. देन ओनली वन पावर स्ट्रोक एंड थ्री आइडल स्ट्रोक इन फोर स्ट्रोक साइकिल. अब यहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चार प्रोसेस हो रही है, लेकिन पावर एक ही स्ट्रोक में जनरेट होता है, बाकी तीन स्ट्रोक में पावर जनरेट नहीं होता. इसीलिए उन स्ट्रोक्स को आइडियल स्ट्रोक्स कहा जाता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट टू स्ट्रोक इंजन. जैसा कि नाम में टू स्ट्रोक इंजन, यानी एक पावर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ दो स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ रही है. टू स्ट्रोक इंजन में भी चारों प्रोसेस होती है, यानी एक पावर साइकिल में जो चार प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस
टू स्ट्रोक इंजन में भी परफॉर्म होंगी, पर ये चारों प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए पिस्टन के सिर्फ दो स्ट्रोक्स की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे कि दो स्ट्रोक्स इन टू स्ट्रोक इंजन, द साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन, यानी टू स्ट्रोक पिस्टन के दो स्ट्रोक, पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी पे जाएगा, एक बार बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा, यानी दो स्ट्रोक। तो यहाँ दो स्ट्रोक्स होते हैं। पहले स्ट्रोक को हम बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक, यानी अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, और दूसरा होगा डाउनवर्ड स्ट्रोक, यानी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, और इन्हीं दो मोमेंट में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दो पिस्टन के मोमेंट यानी क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन, और ये एक रिवॉल्यूशन ही काफी है पूरी पावर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यानी इसका ये मतलब है कि हमको टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के हर रिवॉल्यूशन में पावर मिलेगा, पावर डेवलप होगा। लेकिन फोर स्ट्रोक में क्या होता है, हर एक अल्टरनेट रिवॉल्यूशन के बाद, यानी एक रिवॉल्यूशन में पावर जनरेट होता है, दूसरे में नहीं होता है फोर स्ट्रोक में। पर टू स्ट्रोक में आपको हर रिवॉल्यूशन में, क्रैंकशाफ्ट के हर रिवॉल्यूशन में पावर डेवलप होगा। देन सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक टू स्ट्रोक इंजन का कि इसमें कोई भी वॉल्स नहीं होते, कोई वॉल की जरूरत नहीं होती। तो वॉल की जरूरत नहीं है तो उसको ऑपरेट करने के लिए किसी मैकेनिज्म की, किसी कैम की, फॉलोअर की जरूरत नहीं होती। तो वॉल नहीं होते हैं तो क्या होता है, वॉल की जगह होते हैं इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स। सिलेंडर के ऊपर कुछ होल्स बने हुए रहते हैं जो ओपन होते हैं डायरेक्टली इंजन सिलेंडर के अंदर। तो ये इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स होते हैं वॉल्स की जगह पर। एंड इनको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स जो होते हैं इनका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है पिस्टन के मोमेंट की वजह से, यानी पिस्टन के मोमेंट की वजह से। पिस्टन कवर करता है इनलेट पोर्ट को, अगर कवर कर देगा तो इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा, आउटलेट पोर्ट को कवर करेगा तो आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। तो ये सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वर्किंग से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए, आगे हम इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। यहाँ देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। यहाँ सबसे पहली चीज है, ये है इंजन सिलेंडर। यहाँ इंजन सिलेंडर बना हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर है एक पिस्टन जो इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट होगा। उसके बाद की नई चीज कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट। सो इतनी सारी चीजें किसी भी इंजन में होती है तो यहाँ पर भी है। इतनी चीजें रहती है। मोमेंट होगा, आपको मोमेंट पता है कि पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, कनेक्टिंग रॉड उस मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे क्रैंक के। ये जो क्रैंक है ये एक केस में बंद होता है, यहाँ पे केसिंग होती है, दिस इज द क्रैंक केस। तो ये होता है क्रैंक केस। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जो पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक इंजन से टू स्ट्रोक इंजन को अलग करता है, और वो क्या है, दी क्रैंक केस ऑफ द इंजन इज एयर टाइट इन विच द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स। यानी यहाँ पे क्रैंक केस और क्रैंक के बीच में बहुत ही कम गैप होती है, पूरी तरह से एयर टाइट पैक होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में इन दोनों के बीच में, क्रैंक और क्रैंक केस के बीच में बहुत सारी गैप होती है। तो यहाँ पे क्यों होती है, ये एयर टाइट क्यों होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वर्किंग में, हमें वो समझ में आएगा। दूसरी चीज, ये इंजन को यहाँ पे देखिए इनलेट पोर्ट होता है, यानी यहाँ से फ्यूल अंदर जाएगा, और एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ से धुआं जो हॉट गैसेस है, जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर आएगी, और तीसरा पोर्ट होता है ट्रांसफर पोर्ट। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। एंड ये क्यों है, द मोमेंट ऑफ पिस्टन ओपन एंड क्लोजेस द पोर्ट। यहाँ पे देखिए ये पिस्टन यहाँ पे इस कंडीशन में है, इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो इनलेट पोर्ट अभी बंद है, यानी यहाँ से कुछ अंदर नहीं जा सकता ना बाहर जा सकता है, यहाँ ट्रांसफर पोर्ट बंद है। तो इस तरह से पोर्ट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन दिख रहा है, अगर ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा इस जगह पर तो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा। और एक सबसे कमाल की चीज ये होता है पिस्टन का कंस्ट्रक्शन। यहाँ के पिस्टन के ऊपर इस तरह से डिफ्लेक्टर बना हुआ होता है, कुछ पिस्टन पे आपको डोम भी नजर आएगा। फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक के पिस्टन में ये एक बहुत जरूरी
चेंज है, एक जरूरी फर्क है। यहाँ पर टू स्ट्रोक का जो पिस्टन होता है उसके ऊपर ऐसा उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन का जो पिस्टन होता है वो हमेशा फ्लैट होता है। तो ये बात याद रखना है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स है। अभी हम देखेंगे वर्किंग। सो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में। टू स्ट्रोक की वर्किंग में दो ही स्ट्रोक होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो सब पहला स्ट्रोक होता है अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी सॉरी बीडीसी से टीडीसी की ओर, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है तो ये सबसे पहले कवर करता है एग्जॉस्ट पोर्ट को। यहां से एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है, ये वाला पोर्ट भी बंद है, ये ट्रांसफर पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट भी बंद है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट को अगर इसने कवर कर दिया तो यहां पे एक पूरा सील्ड चेंबर क्रिएट होता है, और इस चेंबर में क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। पिस्टन क्या करेगा, यहां पे अंदर में जो भी चार्ज है, यहां यहां जो भी चार्ज है ये पूरी तरह से कॉम्प्रेस करेगा, यहां पे कॉम्प्रेशन होगा। और सेम टाइम पर जब पिस्टन की इस कंडीशन में है तो यहां से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर आएगा। याद रखिए इनलेट से, इनलेट पोर्ट से जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो क्रैंक केस के अंदर आता है। तो यहां एक साथ दो काम हो रहे हैं, इनलेट हो रहा है और कॉम्प्रेशन भी हो रहा है। जैसे ही कॉम्प्रेशन खत्म होता है स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे स्पार्क होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा, कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद हॉट गैसेस जनरेट होगी, और ये हॉट गैसेस क्या करेगी, वर्क डन करेगी। कहाँ पर, पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन के ऊपर जब ये वर्क डन करेगी तो पिस्टन इसके बाद नीचे जाना चालू होगा। पर उसके पहले क्या क्या हुआ, ये अपवर्ड स्ट्रोक में इनलेट हुआ और कॉम्प्रेशन हुआ, इनलेट कॉम्प्रेशन एंड स्पार्क, ये हो गया अपवर्ड स्ट्रोक में। इतना काम एक अपवर्ड स्ट्रोक में होता है। तो दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, इनलेट और कॉम्प्रेशन। अब देखते हैं अब डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है। जैसे ही हॉट गैसेस जनरेट हो चुकी थी, यहां पे स्पार्क हो चुका था, हॉट गैसेस जनरेट हो गई थी, ये हॉट गैसेस क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उसको नीचे धकेलेगी, यानी वर्क विल डन बाय दी गैस। गैस वर्क परफॉर्म करेगी पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन नीचे की ओर ट्रेवल करेगा और आपको पावर मिलेगा, और ये पावर पिस्टन से ट्रांसफर होगा क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, पिस्टन नीचे की ओर ट्रेवल करना शुरू करेगा। देखिए हॉट गैसेस वर्क ऑन पिस्टन, पिस्टन मूव्स डाउन, इट क्लोजेस दी सक्शन पोर्ट, ये नीचे आना शुरू होगा। और जैसे ही पावर प्रोड्यूस हो जाता है, सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है। एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है तो ये हॉट गैसेस जो होती है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है, वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सेम टाइम पर ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी ओपन होता है, और ट्रांसपोर्ट पोर्ट के से क्या होगा कि जो सक्शन चार्ज आया था, जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया था क्रैंक केस पे, ये क्रैंक अपनी मूवमेंट की वजह से इस तरह से जो मूवमेंट होने वाला है, तो ये क्या करेगा कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको धकेलेगा इंजन सिलेंडर की ओर, और ये इंजन सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो एक ही टाइम पे यहां से एग्जॉस्ट आना शुरू है और इंजन सिलेंडर में नया एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, और ये क्या कर देगा, यहां पे पिस्टन आके इनलेट पोर्ट को बंद कर देगा, यानी इनटेक बंद हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पिस्टन का जो शेप है वो डिफ्लेक्टर होना चाहिए। डिफ्लेक्टर क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि एक ही टाइम पे यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस भी है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए ये शेप बनाया जाता है, ताकि इनलेट का जो नया चार्ज आया है, जो नया एयर फ्यूल मिक्सचर आया है वो अलग रहे और एग्जॉस्ट गैस अलग रहे। ये होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या हुआ, पिस्टन ने पावर प्रोड्यूस किया और एग्जॉस्ट जो प्रोसेस है, एग्जॉस्ट प्रोसेस वो भी कंप्लीट हो गई। सो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक दिस इज हैपन।
जहाँ ये एक एनिमेशन है, इसको ध्यान से देखिए, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखाई देंगी। अपवर्ड स्ट्रोक को ऑब्जर्व कीजिए और डाउनवर्ड स्ट्रोक को ऑब्जर्व कीजिए। सो दिस इज, तो चलिए डिस्कस करते हैं टू स्ट्रोक इंजन के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, टू स्ट्रोक इंजन हैव अ ग्रेटली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स एंड सो कैन बी मोर कॉम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंटली लाइटर। तो टू स्ट्रोक इंजन जो होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है साइज में और लाइट इन वेट होता है। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत कम है। हमने वॉल्स की जगह पोर्ट्स यूज किए। पोर्ट्स यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, आपको ऑपरेट करने के लिए, वॉल को ऑपरेट करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती थी, वॉल, फिर उसके बाद कैम्स, फॉलोअर्स, टाइमिंग चेन, ये सारी चीजों की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। दूसरा, वन पावर स्ट्रोक फॉर ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। हर क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में पावर जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए ये फोर स्ट्रोक इंजन से डबल पावर जनरेट करता है। वहां पे हर दो रिवॉल्यूशन में एक बार पावर मिलता है, यहां पर हर रिवॉल्यूशन में पावर मिलता है। देन साइज ऑफ फ्लाईव्हील इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। यहां देखिए साइज क्यों छोटा होगा, फ्लाईव्हील का काम होता है कि फ्लक्चुएशन इन लोड को कम करना। यहां पे एक रिवॉल्यूशन में पावर जनरेट हो रहा है तो आपका फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन में पावर जनरेट होता है, दूसरे में नहीं होता, तो इसीलिए वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है। और जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन उतना बड़ा फ्लाईव्हील लगेगा उसको हैंडल करने के लिए। तो इसीलिए टू स्ट्रोक में फ्लाईव्हील का साइज छोटा होता है। सेम वेट का अगर हम टू स्ट्रोक इंजन बनाए तो वो ज्यादा पावर देगा एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक। तो अगर सेम साइज का हमने इंजन बनाया है, जैसे 100 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन ले और 100 सीसी का फोर स्ट्रोक इंजन ले, तो टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावर डेवलप करता है। और लास्ट में डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, फ्यूल इज नॉट फुली कंज्यूम्ड, हेंस फ्यूल इकोनॉमी इज लेस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू स्ट्रोक इंजन का, क्योंकि हमने देखा एग्जॉस्ट और इंजन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल रेशो दोनों एक ही टाइम पे आती है। तो जब एग्जॉस्ट जाते रहता है तो कई बार ऐसा होता है कि नया वाला जो एयर फ्यूल रेशो है, जो फ्रेश एयर फ्यूल रेशो मिक्सचर है, वो भी उसके साथ बाहर चले जाता है। तो इसीलिए फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो जाती है, एवरेज जिसको हम बोलते हैं ना, एवरेज माइलेज वो कम हो जाता है। दूसरा, एग्जॉस्ट गैस को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे फोर स्ट्रोक इंजन में है, इंजेक्शन के जैसा होता है, पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, तो आपने इंजेक्शन देखा होगा तो वो उस तरह से काम करता है, पर यहाँ पे पिस्टन तो नीचे जाते रहता है, तो इसीलिए एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज फोर स्ट्रोक सॉरी टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। सो नाउ लेट्स कंपेयर फोर स्ट्रोक इंजन विथ टू स्ट्रोक इंजन। सबसे पहली बात, फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के चार स्ट्रोक लगते हैं और क्रैंकशाफ्ट का दो रिवॉल्यूशन लगते हैं फॉर टू कंप्लीट वन पावर साइकिल। वहीं टू स्ट्रोक इंजन में टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड ओनली वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन पावर साइकिल। वन पावर स्ट्रोक इन एवरी टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी दो रिवॉल्यूशन में एक बार पावर जनरेट होता है। टू स्ट्रोक में हर रिवॉल्यूशन में पावर जनरेट होता है। देन हेवियर फ्लाईव्हील ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और टू स्ट्रोक में फ्लाईव्हील का साइज बहुत छोटा होता है, तो लाइट इन साइज होता है, लाइटर फ्लाईव्हील यूज किया जाता है टू स्ट्रोक इंजन में। नाउ पावर प्रोड्यूस इज लेस,
दो रिवॉल्यूशन के बाद एक बार पावर, इसलिए पावर कम है, और टू स्ट्रोक का पावर ज्यादा है क्योंकि हर रिवॉल्यूशन में आपको पावर मिलता है। देन फोर स्ट्रोक का इंजन हेवी और बल्की होता है, थोड़ा बल्की होता है, बड़ा होता है क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा है। वहीं टू स्ट्रोक इंजन इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा होता है और वेट में भी कम होता है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो फोर स्ट्रोक में वॉल्व और वॉल्व मैकेनिज्म होता है वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं। देन थर्मल एफिशिएंसी फोर स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा होती है जबकि टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम है। एप्लीकेशन वाइज देखते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन ऐसी जगह पर यूज करता है जहाँ पे एफिशिएंसी मैटर करती है, जहाँ पे हमको एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए कार, बस और ट्रक्स वगैरह में आपको फोर स्ट्रोक इंजन दिखाई देगा। टू स्ट्रोक इंजन ऐसी जगह पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमको लो कॉस्ट इक्विपमेंट चाहिए, छोटा इक्विपमेंट चाहिए, कॉम्पैक्ट और लाइट इन वेट, तो इसीलिए ऐसी जगह पर हम लोग टू स्ट्रोक इंजन कहते यूज करते हैं, जैसे कि लॉन मूवर, स्कूटर्स, मोपेड्स, इन जगह पर हम लोग टू स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू स्ट्रोक इंजन। द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ नीट स्केच। तो सबसे पहले टू स्ट्रोक की अगर आपको वर्किंग देखनी है तो एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, ये आपको पता होने चाहिए, दो दो कम से कम दो दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए। लिस्ट द टू एप्लीकेशंस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, तो एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पर फोर स्ट्रोक इंजन यूज होता है और कहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन यूज होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द टू स्ट्रोक इंजन विथ फोर स्ट्रोक इंजन, तो ये तो अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, तो इस आंसर को प्रिपेयर कीजिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी कॉपी में प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको आंसर्स में कुछ डिफिकल्टी होती है तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू स्ट्रोक इंजन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।